नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कोरोना वैक्सीनेशन में भारत हर दिन एक नई उपलब्धि हासिल करता हुआ। सोमवार तक देश भर में कुल वैक्सीनेशन कवरेज 75 करोड़ के पार निकल गया। अब देश में 6 ऐसे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है जहां 100% पात्र आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। भारत कुल डोज के मामले में सिर्फ चाइना से पीछे है। वहां अब तक 2,14,00,000 डोज लगाई जा चुकी है। तीसरे नंबर पर अमेरिका, चौथे नंबर पर ब्राजील आता है। दोनों डोज लगाने के मामले में चीन पहले, अमेरिका दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर आ चुका है। कोरोना वायरस से लगातार जारी लड़ाई के बीच भारत ने एक और मील का पत्थर पार किया है। देश में अब तक 75 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। भारत में फिलहाल कोरोना के 3 वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें कोवैक्सीन, कोविशील्ड और रूस की स्पुतनिक वी शामिल है। भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि, पचहत्तर करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। आजादी के 75वें वर्ष पर 75 करोड़ वैक्सीनेशन डोज पार। भारत ने 75 करोड़ टीकाकरण के आंकड़े को किया पार। सवा महीने में लगे 25 करोड़ टीके। WHO ने टीकाकरण अभियान को सराहा। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि संभावित तीसरी लहर की आशंका को लेकर तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। भारत में फिलहाल कोरोना के 3 वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें कोवैक्सीन, कोविशील्ड और रूस की स्पुतनिक भी शामिल है। इन सबके बीच भारत ने कोविड रोधी टीके की 75 करोड़ से अधिक खुराकें लगने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यह जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि देश में 99% स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्तियों के कर्मचारियों को कोविड रोधी टीके की कम से कम एक खुराक लगाई जा चुकी है। मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी ने सबका साथ सबका प्रयास के मंत्र के साथ विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान निरंतर नए आयाम गढ़ रहा है। आजादी के 75वें वर्ष में देश ने 75 करोड़ टीकाकरण के आंकड़े को पार कर लिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इससे बड़ी उपलब्धि करार दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, यह एक बड़ी उपलब्धि है। मैं जनता, कोरोना योद्धाओं, राज्य सरकारों और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सभी को मुफ्त टीके उपलब्ध कराए हैं। भारत ने अपनी आबादी का टीकाकरण के मामले में कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। कोरोना वायरस से लगातार जारी लड़ाई के बीच भारत ने एक और मील का पत्थर पार किया है। देश में अब तक 75 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। CM योगी ने भी देश में 75 करोड़ टीकाकरण के आंकड़े को पार करने पर खुशी जताई। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। भारत दुनिया के अंदर बेहतर स्थिति में है और कोरोना प्रबंधन का एक मॉडल भारत ने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। मैं आभार भी व्यक्त करता हूं, बधाई भी देता हूं और अभिनंदन भी करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि आज 75 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने में भारत सफल हो चुका है और उन्हीं की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश भी लगभग 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने में सफल हुआ है। ये हमारे लिए एक अवसर है। यह वैक्सीन कोरोना महामारी से सुरक्षा का एक बेहतर कवच है। जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन लिया है उन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि वह अन्य लोगों को भी वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करते हुए
कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। पहली बार भारत के अंदर दो स्वदेशी वैक्सीन युद्ध स्तर पर लगना इस बात को प्रमाणित करता है कि सरकार की प्रतिबद्धता हर एक नागरिक के जीवन को बचाने की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान में तेजी लाने और 75 करोड़ का आंकड़ा हासिल करने के लिए भारत की सराहना की है। WHO की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय ने एक बयान में कहा है, भारत को पहली 10 करोड़ खुराकें लगाने में 85 दिन लगे थे, लेकिन 65 करोड़ से 75 करोड़ पहुंचने में महज 13 दिन लगे हैं। अब तक 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, गोवा, दादर और नागर हवेली, लद्दाख और लक्षद्वीप में सभी वयस्क लोगों को टीके की कम से कम एक खुराक लगा दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार भारत को 10 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा छूने में 85 दिन लगे थे, जबकि 20 करोड़ का आंकड़ा छूने में 45 और दिन तथा 30 करोड़ का आंकड़ा छूने में 29 और दिन लगे हैं। देश को 30 करोड़ खुराक से 40 करोड़ खुराक तक पहुंचने में 24 दिन लगे और फिर 6 अगस्त को 50 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार करने में 20 दिन लगे। देश ने 60 करोड़ का आंकड़ा पार करने में 19 और दिन लिए, जबकि 60 करोड़ से 70 करोड़ तक पहुंचने में महज 13 दिन लगे और 7 सितंबर को यह आंकड़ा पार किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कुल मिलाकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 वर्ष आयु समूह में 30 करोड़ से अधिक लोग टीके की पहली खुराक लगवा चुके हैं, जबकि 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग दोनों खुराकें लगवा चुके हैं। देश भर में टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी से की गई थी और पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया था। अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए टीकाकरण का दूसरा चरण 2 फरवरी से शुरू किया गया था। तीसरा चरण 1 मार्च से शुरू किया गया था, जिसमें 60 साल की उम्र से अधिक लोगों और 45 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों को शामिल किया गया था जो पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं। देश में 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया गया था। वहीं 1 मई से 18 वर्ष से ज्यादा आयु वाले सभी लोगों के लिए टीकाकरण के दरवाजे खोल दिए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। कोरोना वायरस का संकट अब भी बरकरार है और माना जा रहा है वैक्सीन ही इस संकट से बचा सकती है। ऐसे में देश में वैक्सीनेशन का काम जोरों पर है। देश के 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगाई जा चुकी है। 100% वैक्सीनेशन करने वाले राज्यों में गोवा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली और दमन एवं दीव का नाम शामिल है। वैक्सीनेशन में 6 राज्यों का कमाल। सौ फीसदी आबादी को लगी वैक्सीन की पहली डोज। पीएम और स्वास्थ्य मंत्री ने दी बधाई। देश में जारी कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान में 6 राज्यों ने 18 साल से ज्यादा की पूरी आबादी को वैक्सीन देने में सफलता हासिल कर ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर इसके लिए इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बधाई दी है। अपनी पूरी वयस्क आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दे चुके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश गोवा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव है। गोवा में 11,83,000 डोज लगी है। हिमाचल प्रदेश में 55,74,000, लद्दाख में 1,97,000, सिक्किम में 5,10,000, लक्षद्वीप में 53,499,
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में 6,26,000 टीके लगे हैं। 100% वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड सबसे पहले हिमाचल प्रदेश ने बनाया था, इसके बाद सिक्किम ने ये रिकॉर्ड बनाया। अब 6 राज्यों ने इसमें कामयाबी पा ली है। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सैजवाली ने 30 नवंबर तक इन सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि देश में इस साल जनवरी में टीकाकरण का काम शुरू हुआ था। चरणबद्ध तरीके से देश की आबादी को टीके लगाए जा रहे हैं। 18 साल से ज्यादा की उम्र के सभी लोग टीका लगवा सकते हैं। देश के मुख्य तौर पर ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन, जिसे भारत में कोविशील्ड के नाम से बनाया जा रहा है, भारत बायोटेक के कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक वी का इस्तेमाल हो रहा है। देशव्यापी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू किया गया था। ग्लोबल होगी स्वदेशी वैक्सीन। कोवैक्सीन को इसी हफ्ते मिल सकती है WHO की मंजूरी। दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जा सकेगी। विदेश यात्रा में भी आसानी। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस हफ्ते भारत के स्वदेशी कोरोना टीके कोवैक्सीन को मंजूरी दे सकता है। इसका प्रोडक्शन हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक कर रही है। इससे भारत सहित दुनिया के कई देशों में कोवैक्सीन लगवा चुके लोगों को फायदा मिलेगा। WHO का अप्रूवल न मिलने के कारण अब तक कोवैक्सीन लेने वाले लोग विदेशों की यात्रा नहीं कर पा रहे थे। मंजूरी मिलने के बाद इसे वैक्सीन पासपोर्ट की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। कंपनी वैक्सीन को आसानी से दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी करवा पाएगी। भारत बायोटेक ने अप्रूवल के लिए WHO जिनेवा में एप्लीकेशन दी थी। कोवैक्सीन को अब तक 13 देशों में मंजूरी मिल चुकी है। संक्रमण पर 78% इफेक्टिव। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मिलकर बनाया है। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद कंपनी ने दावा किया था कि वैक्सीन की क्लिनिकल एफिकेसी 78 है, यानी ये कोरोना इन्फेक्शन को रोकने में 78% इफेक्टिव है। अच्छी बात ये है कि जिन्हें ट्रायल्स में ये वैक्सीन लगाई गई थी उनमें से किसी में भी गंभीर लक्षण नहीं दिखे, यानी गंभीर लक्षणों को रोकने के मामले में इसकी इफेक्टिवनेस 100% है। ICMR का दावा, सभी वेरिएंट पर असरदार। ICMR का दावा है कि ये वैक्सीन सभी तरह के वेरिएंट्स पर कारगर है, यानी कि न केवल UK, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका वेरिएंट्स पर बल्कि भारत के 10 से ज्यादा राज्यों में सामने आए डबल म्यूटेंट वेरिएंट पर भी ये असरदार साबित हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र TV। सब लोगों तक वैक्सीन पहुंचे, समय तक पहुंचे, यही केंद्र सरकार की नीति है और इसे आगे बढ़ाने में सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लगातार वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने पर भी सरकार का जोर है, लेकिन हमारे देश में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर वैक्सीन जमीन के रास्ते पहुंचाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में सरकार ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और इसके तहत ड्रोन के जरिए लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। कैसे, जरा देखिए। ड्रोन से डिलीवर होगी वैक्सीन, देश के आखिरी कोने तक पहुंचाई जाएगी डोज। 3,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ेगा ड्रोन। देश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। सरकार की ओर से सुनिश्चित किया गया है कि हर नागरिक को कोरोना वैक्सीन मिले। ऐसे में अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के आखिरी कोने तक वैक्सीन पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। मंत्रालय ने कहा है कि उसने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर और नागालैंड में सुदूर इलाकों में टीकों के वितरण के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की सशर्त मंजूरी दे दी है। टीकों के वितरण के लिए 3,000 मीटर तक की ऊंचाई पर ड्रोन के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। लेकिन क्या है नियम जिनके तहत ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी गई है? ड्रोन को डिजिटल पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा, साथ ही ड्रोन की उपस्थिति और उसकी उड़ान के बारे में सूचना देना भी अनिवार्य होगा। ड्रोन में 250 ग्राम या इससे कम वजन के नैनो उपकरण लगाए जा सकेंगे। इसमें 250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक के माइक्रो उपकरण लगाने की अनुमति होगी।
छोटे ड्रोन का कम से कम वजन 2 किलो और ज्यादा से ज्यादा 25 किलो हो सकता है। वहीं मध्य ड्रोन का वजन 25 से 150 किलो की बीच हो सकता है। बड़े ड्रोन 150 किलो से 500 किलो के बीच के होने चाहिए। 500 किलो से अधिक वजनी ड्रोन पर विमान नियम 1937 लागू होगा। साथ ही ड्रोन उड़ाने से पहले योग्यता का प्रमाण पत्र जरूरी किया गया है। इसके अलावा ड्रोन की विशिष्ट पहचान संख्या जरूरी की गई है। इससे पहले आपको बता दें कि मंत्रालय ने इससे पहले केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तेलंगाना के विकाराबाद में अपनी तरह की पहली मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत की, जिसके तहत ड्रोन की मदद से दवाओं और टीके की आपूर्ति की जा रही है। मंत्रालय ने बताया है कि परिसरों में शोध विकास और परीक्षण उद्देश्यों के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की सशर्त अनुमति दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और कोरोना महामारी से जूझ रही दुनिया में वैक्सीन इनइक्वालिटी को लेकर चर्चा तेज हो गई है, यानी कि अमीर और गरीब देशों में कोरोना की वैक्सीन की उपलब्धता में अंतर को लेकर अब चर्चाएं तेज होती हुई। ऐसे में एक्सपर्ट्स चिंता जाहिर कर रहे हैं कि स्थिति महामारी को लंबा खींचने का एक अहम कारण बन सकती है, जो कि खतरनाक हो सकती है। जरा देखिए इस रिपोर्ट। अमीर गरीब की खाई और हुई गहरी। गरीब देशों को नहीं मिल रही वैक्सीन। वैक्सीन की किल्लत से जूझ रही आधी आबादी। दुनिया को कोरोना महामारी से जूझते हुए करीब 21 महीने हो गए हैं। कई देशों में दूसरी लहर का कहर थोड़ा थम गया है, तो महामारी से मुक्ति की आशा भी बन रही है। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट एक नए खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। ये खतरा है वैक्सीन की उपलब्धता में असमानता का। वैक्सीनेशन को जहां महामारी के खात्मे का इकलौता हथियार माना जा रहा है, वहीं अमीर और गरीब देशों के बीच वैक्सीन उपलब्धता की असमानता नए खतरे को बढ़ावा न दे, इसकी आशंका भी जताई जा रही है। दुनिया में सिर्फ 40 ऐसे देश हैं जो अभी तक अपनी 50% से ज्यादा आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुके हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस हालत को लेकर चिंतित है। खासकर WHO बूस्टर यानी तीसरी डोज को लेकर भी चिंता जता रहा है। किस खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं एक्सपर्ट? अमेरिका और यूरोप के देशों में जहां डेल्टा वेरिएंट के खतरे ने महामारी की वापसी करा दी है, वहीं बाकी देशों में खासकर भारत समेत एशियाई देशों में तीसरी लहर का अंदेशा लोगों को डरा रहा है। इस बीच वैक्सीन असमानता पर हेल्थ एक्सपर्ट चिंता जता रहे हैं और ये स्थिति महामारी को लंबा खींचने का कारण बन सकती है। इससे खतरा केवल गरीब देशों को ही नहीं है, बल्कि अमीर देशों में भी कोरोना के खतरे की इससे वापसी हो सकती है। और दुनिया खुलते ही फिर से अमीर देशों में वायरस की वापसी देखने को मिल सकती है। कितना है अमीर गरीब देशों में वैक्सीनेशन का अंतर? UNDP के आंकड़ों को देखें तो 30 अगस्त 2021 तक अमीर देश अपनी आबादी के हर दो में से एक शख्स को वैक्सीन लगा चुका है, जबकि गरीब देशों में हर 47 में से सिर्फ एक को ही अब तक वैक्सीन लग पाई है। WHO के अनुसार कम से कम एक डोज की बात करें तो अमीर देशों में वैक्सीनेशन का औसत प्रतिशत 57.34% है, तो गरीब देशों में सिर्फ 2.14%। वैक्सीनेशन में इस अंतर के कई कारण हैं, जैसे अमीर देशों की ओर से वैक्सीन कंपनियों के पास पहले से ऑर्डर बुकिंग, वैक्सीन की अमीर देशों में रिसर्च और उत्पादन होना, वैक्सीन की महंगी कीमत, गरीब देशों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। यूनिसेफ के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की एक डोज की लागत $2 से $40 के बीच आ रही है। इसके अलावा लगवाने का खर्च सरकार पर अलग, जबकि अधिकांश गरीब देशों में एक आदमी पर सालाना स्वास्थ्य खर्च भी $41 से नीचे है। ऐसे में अचानक वहां की सरकारों के लिए इतने बड़े बजट का इंतजाम मुश्किल है।
अपनी 70% आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए गरीब देशों को अपने स्वास्थ्य खर्च को अचानक 57% तक बढ़ाना होगा, जबकि अमीर देशों को सिर्फ 0.8% स्वास्थ्य खर्च बढ़ाना पड़ेगा। पूरी दुनिया के आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक दुनिया भर में 5.41 अरब डोज लग चुकी हैं। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।